हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्य इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षा में हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका घूमर। घूमर को राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है। तीन टाइप के घूमर राजस्थान में प्रचलित हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाम आता है घूमर। ये जो घूमर है इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती हैं, साधारण स्त्रियां इसमें भाग लेती हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का जो घूमर है उसको लूर कहा जाता है। लूर का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपसे। लूर ये गरासिया जनजाति की स्त्रियाँ होती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला घूमर जिसे लूर कहा जाता है। तीसरा जो घूमर का प्रकार है वो है झूमरियो। झूमरियो, ठीक है, ये किया जाता है बालिकाओं के द्वारा, ये किया जाता है बालिकाओं के द्वारा। तो तीन टाइप का घूमर मैंने आपको बताया। पहला घूमर जो साधारण स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, दूसरा घूमर जो गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है, और तीसरा है झूमरियो जिसको बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब एक नृत्य राजस्थान में और है, मछली नृत्य। ये जो मछली नृत्य है ये घूमर का ही एक छोटा रूप है, ठीक है। घूमर नृत्य का ये एक रूप होता है मछली नृत्य। जो घूमर नृत्य है वो गुजरात के गरबा से लगभग मिलता जुलता है। गुजरात में जो गरबा नृत्य होता है उससे लगभग ये मिलता जुलता नृत्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घूमर लोक नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है। यह नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है, बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर और मेवाड़ आदि क्षेत्रों के भील आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर और मेवाड़ क्षेत्र में जो भील आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर यह ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। भील आदिवासी क्षेत्र के ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं गैर, ढोल, अग्नि और लूर। तो करेक्ट आंसर है इसका लूर। लूर किसके द्वारा किया जाता है, मैंने आपको बताया था घूमर के तीन टाइप बताए थे मैंने, घूमर, लूर और झूमरियो, ठीक है। लूर किया जाता है गरासिया जाति की स्त्रियों द्वारा, गरासिया जाति की स्त्रियों द्वारा, और झूमरियो किया जाता है बालिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लूर। अब हम देखते हैं गैर। गैर, ढोल और अग्नि, ये तीनों ही नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। अग्नि नृत्य फेमस है कहाँ का, कतरियासर का फेमस है, ठीक है। कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय का फेमस नृत्य है अग्नि नृत्य, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। तो लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस है गीनड़ नृत्य, शेखावटी, बिल्कुल सही है, गीनड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है। ढोल नृत्य ये जालौर में किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। बम रसिया नृत्य भरतपुर में किया जाता है, ना कि बीकानेर में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। बम रसिया नृत्य मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर, इन दो जगहों पर किया जाता है, भरतपुर और अलवर। इसमें पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार का नगाड़ा लेते हैं, उस नगाड़े को क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है, ठीक है, और दोनों हाथों में स्थित दो मोटे डंडों से इसको बजाते हैं। फागुन के महीने में ये नृत्य किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, फागुन के महीने में बम रसिया नृत्य किया जाता है भरतपुर में, ठीक है। और रसिया गाना इसमें गाया जाता है, रसिया, इसलिए इसको बोला जाता है बम रसिया, ठीक है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ में किया जाता है, तो बाकी के तीनों सही हैं, केवल थर्ड ऑप्शन गलत था यहाँ पर। गीनड़ नृत्य शेखावटी में, ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ में किया जाता है, और बम रसिया नृत्य ये भरतपुर और अलवर में किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है ये। बम यहाँ पर नगाड़े को दिखाता है और रसिया यहाँ पर गीत है, फागुन महीने में ये किया जाता है, ठीक है। इतना आपको एक क्वेश्चन से याद रखना है।
प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो बम नृत्य राज्य के भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 13 ताली नृत्य, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। 13 ताली नृत्य ये रामदेव जी को समर्पित है। कामड़ जाति के औरतें इसको करती हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि 13 ताली नृत्य किस जाति से संबंधित है, तो कामड़ जाति से ये संबंधित है। बाबा रामदेव जी के भोपे की औरतें सिर से पांव तक विभिन्न तरह के 13 मंजीरें बांधकर, 13 ताली इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं वो 13 मंजीरें बांधती हैं, ठीक है, दोनों हाथों के मंजीरों से उनको आघात करती हैं, और विविध हाव भाव के साथ ये नृत्य किया जाता है। कहाँ कहाँ पर ये किया जाता है? डूंगरपुर, पोकरण और डीडवाना। डीडवाना, पोकरण और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में विशेषकर ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा इसका नृत्य किया जाता है, पर इसका उद्गम कहाँ पर हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है, 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ पर हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका पादरला गांव पाली में, पादरला गांव पाली में 13 ताली नृत्य का उद्गम हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, 13 ताली नृत्य का संबंध किस देवता से है? रामदेव जी से। इसका उद्गम कहाँ हुआ था? पादरला गांव पाली में। 13 मंजीरे इसमें बांधे जाते हैं। अगर जाति पूछी जाए तो कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 ताली, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो मैंने आपको बताया था कांवड़ जाति से संबंधित है 13 ताली नृत्य, और कांवड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गैर नृत्य। गैर नृत्य पुरुषों का है, घूमर स्त्रियों का है, ठीक है, घुड़ला नृत्य ये भी स्त्रियों का है, घुड़ला जोधपुर से संबंधित है, घुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। गरबा नृत्य ये गुजरात से संबंधित है और राजस्थान में भी खेला जाता है, और ये स्त्री प्रधान नृत्य है गरबा नृत्य भी, ठीक है। तो केवल पुरुषों के लिए यहाँ पर हो जाएगा एक ही नृत्य है, वो है गैर नृत्य। अब गैर नृत्य के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गैर नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में गैर नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष सेनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। पहली बात तो जो पुरुष होते हैं वो गोलाकार रूप में खड़े होते हैं इसमें, और हाथों में ले लेते हैं डंडे, ठीक है, और जब सेनाई की धुन बजती है तो वो गोलाकार डंडों को आपस में टकराते हुए डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। जो गैर नृत्य को खेलने वाले जो पुरुष होते हैं उनको गैरिये कहा जाता है, गैरिये कहा जाता है, ठीक है। तो गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये कहाँ का नृत्य है? ये मेवाड़ का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग कौन लेता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पुरुष भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो होली पर इनमें से गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य होली पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है, फागुन मास में किया जाता है और भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, भील पुरुषों के द्वारा फागुन मास में ये नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका हाथी मना। हाथी मना नृत्य भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठ कर तलवार को घुमाते हुए किया जाता है। पुरुष जमीन पर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और तलवार को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, उसको हाथी मना नृत्य कहा जाता है, और ये भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य इसमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? तो वो है बालर नृत्य। बालर नृत्य सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ग्रासिया जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में दो अर्धव्रत होते हैं, दो
अर्धव्रत इस नृत्य में होते हैं, गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। स्थान जरूर आपको याद रखना है, सिरोही और आबू के इर्द गिर्द किया जाता है, सिरोही और आबू के इर्द गिर्द किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह के अवसर पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के नृत्य करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि निम्न में से बगैर किसी वाद्य यंत्र के, बगैर किसी वाद्य यंत्र के नृत्य कौन सा किया जाता है? तो बगैर किसी वाद्य यंत्र के जो नृत्य होता है वो होता है बालर नृत्य, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बालर नृत्य बगैर किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन बालर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका गरासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तो गरासिया जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं वो लूर नृत्य करती हैं, और लूर एक प्रकार का घूमर नृत्य का ही पार्ट है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें।